नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बुधवार को टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने झुंझड़ा, झनाना और खुड़खुड़ा गांव का दौरा किया और टिड्डियों से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही टिड्डियों को नष्ट करने में लगे कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। सांसद बेनीवाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से दूरभाष पर बात की, वहीं टिड्डी नियंत्रण की भी उन्होंने अपील की है। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने इस बार नागौर को सबसे ज्यादा नागौर के किसानों को परेशान किया और नागौर टिड्डी के हमले का हॉटस्पॉट बन गया। मैंने लोकसभा के अंदर भी मामला उठाया था कि टिड्डी प्रभावित किसानों को राहत पैकेज दिल्ली की सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। राजस्थान की सरकार ने पहले भी मुआवजा नहीं दिया, बाड़मेर के अंदर जब पिछली बार टिड्डी बाड़मेर जैसलमेर के अंदर आई थी। आज मैं स्वयं मौके पर गया था, हमारे टिड्डी जो नियंत्रण के अधिकारी वो भी मौके पर थे, राजस्थान जो कृषि विभाग के अधिकारी वो भी मौके पर थे और एक घंटे तक मैं भी मौके पर उनके साथ था। किसान जवान भी मदद कर रहे हैं उन सबकी, टिड्डी को मारने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन इस टिड्डी को अगर बाड़मेर जैसलमेर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रोक दिया जाता तो ये नागौर की तरफ टिड्डी दल नहीं आता। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसके अंदर टिड्डी को किस तरह और संसार